यहाँ पर मैंने पतीले में तकरीबन आधा किलो के करीब दूध ले रखा है, जिसे मैंने बॉईल कर रखा है। ये बॉईल हुआ हुआ था, इसे मैं जस्ट गर्म कर रही हूँ। जैसे ही आप देखें कि हल्का गर्म हो जाए, फिर इसमें हम डाल देंगे क्वार्टर कप चावल लिए थे, जिसे 2 घंटे पहले भिगो लिया था, और भिगोने के बाद उसे पीस लिया है थोड़े से पानी के साथ। तो ये क्वार्टर कप है बेसिकली, जो आपको शायद 1 कप लग रहा होगा। और हम इसे मिक्स करते रहेंगे, चलाएंगे थोड़ा थिकन होने तक, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है, थोड़ा थिक करना है। जैसे देखिए दोस्तों, थिकनेस आ गई है, मुझे कंटिन्यूसली चलाते हुए 5 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर रखी है, लो फ्लेम पर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे चीनी। 1 कप के करीब चीनी डाली है मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया था, और जो घट के रह गया है तकरीबन आधा किलो। और इसमें मैंने डाल दिया अब चीनी, जो कि ली थी मैंने 1 कप, और मैं इसे फिर से मीडियम फ्लेम पर हल्के हल्के चलाती रहूँगी, ताकि हल्का सा थिक हो जाए जैसे। और साथ ही में हम डाल रहे हैं यहाँ पर केसर वाला दूध, यानी कि 2 चम्मच मैंने दूध में 1 चुटकी केसर में डाली थी। सैफ्रॉन उसका भी हम डाल देंगे इसमें, और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे थिक करेंगे, और थिक होने के बाद जब ये थिक हो जाएगा तो इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, और जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें मैंगो पल्प मिला के और जस्ट मिक्स करेंगे, क्योंकि मैंगो पल्प का कुछ काम नहीं है अभी, सिर्फ वो एंड में डलेगा फ्लेवर लाने के लिए। दोस्तों देखिए थिकनेस आने लगी है, फ्लेम मैंने वापस से लो कर दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 कप में खोया, जो कि है तकरीबन 100 ग्राम। इसकी जगह आप 1 कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए खोया डालने से थोड़ा क्रीमी हो गया है टेक्सचर। ये जो लम्स हैं इनको भी आप दबाते हुए घोल दीजिएगा। देखिए ये लम्स फ्री हो गया है, जितनी भी गुठलियाँ थी खोए की वो घुल गई हैं, और ये ठीक होने लगा है। तो इस स्टेज पे हम बस 1-2 मिनट और इसे स्टर करेंगे मीडियम फ्लेम पर, फिर फ्लेम बंद कर देंगे, और फ्लेम बंद करने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद इसमें मैंगो पल्प डालेंगे, जो कि मैंने लिया है 1 कप के करीब। देखिए दोस्तों कम्प्लीटली ठंडा हो गया है ये, अब हम मिलाएंगे। फ्लेम इस टाइम बिल्कुल बंद है, बिल्कुल गैस नहीं रही है, कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब इसमें मिला रहे हैं 1 कप के करीब हम मैंगो पल्प, मैंगो का गूदा। मिठास अपने हिसाब से रखिएगा, यहाँ पर आम जो लिया है वो कम मीठा था, इसलिए मैंने 1 कप के करीब चीनी रखी थी। अगर जो आम ले रहे हैं वो आप मीठा हो तो आप चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। अब देखिए कलर हल्का है, तो मैं यहाँ पर कलर बढ़ाने के लिए इमर्जन डाल रही हूँ। ये फ्लेवर और कलर दोनों हैं, तो 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया मैंगो इमर्जन, यानी कि फ्लेवर प्लस कलर ये दोनों होते हैं इमर्जन में। और बस जस्ट हमें मिक्स करना है, बिल्कुल गैस अब ऑन नहीं करनी, ये बिल्कुल अब रेडी है, इसे ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, ज़्यादा गर्म नहीं बनना है, थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आते ही हमें मोल्ड में डाल लेना है। अगर आपके पास इस तरह आइसक्रीम मोल्ड हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, और कुल्फी मोल्ड हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया। कुल्फी वाले मेरे पास नहीं थे तो आइसक्रीम के थे, इसमें ही मैं कुल्फी बना रही हूँ, मैंगो कुल्फी। अब इसे बिल्कुल चिल्ड कर लेंगे, या तो ओवरनाइट रख दीजिए या 7 से 8 घंटे, जो अच्छे से सेट हो जाएगी, और जो बच जाती है उसे आप स्टील की कटोरी में भी कुल्फी बना सकते हैं। इस छोटी सी मटकी में हम डाल देंगे पिस्ता थोड़ा सा कटा हुआ, इस तरह मैंने कर लिया था, और फिर लेड लगा के रख देंगे फ्रीज़र में 6 से 7 घंटे के लिए, या ओवरनाइट। तो लीजिए बनकर रेडी है क्विक एंड ईजी मैंगो कुल्फी, जो कि बन गए बहुत झटपट। छोटी सी मटकी में हमने कुल्फी बनाई, और यहाँ पर स्टिक में बनाई है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।